Welcome to our channel ASC Group. Myself Deepak Kumar. आज हम GST alert series में discuss करेंगे annual return under GST law. इस video के अंदर हमने GST annual return को different parts में इस तरीके से discuss किया है, so that कि you can understand easily. और आप while you are preparing GST annual return, तो आपको उसमें भी बहुत help मिलेगी. So let's start with our this video, first series of GST alert annual return. We divided our GST annual return, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, GST annual return को हमने different parts में divide किया है. तो first of all we will discuss first part, that is types of annual returns. But types of annual returns जो GST law में provided है, that is GSTR 9. GSTR 9 is normal taxpayer return. ये कोई भी SSC state wise इसको fill करेगा. अगर किसी SSC के multiple registration है pan India, say suppose किसी के 4 registration है, 1 is in Delhi, 1 is in Haryana, 1 is in Maharashtra and Rajasthan as well, तो वो चारों state के लिए अलग अलग GSTR 9 को file करेगा. Other two annual returns जो हैं, one is GSTR 9A, ये composition scheme में जो हमारे SSCs हैं उनके लिए होता है. एंड GSTR 9 भी ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए. सितंबर मंथ के अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर उन्होंने GSTR 9 की ऑफलाइन यूटिलिटी हमें प्रोवाइड कर दी है, लेकिन 9A और 9B अभी भी ऑफलाइन यूटिलिटी गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू अनाउंस नहीं किया. तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो GSTR 9 के बारे में करेंगे, कि इसके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की बात करते हैं तो किस किस को ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए. लॉ विल प्रोवाइडेड सम एक्सेप्शंस. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो लॉ के अंदर GST लॉ में रजिस्टर्ड है वो GSTR 9 के को फाइल करने के लिए लायबल है, एक्सेप्ट दीज पर्सन्स. तो इन पर्सन्स की अगर हम लिस्ट को एक एक करके रिव्यू करें, किसी ने अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसको 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एनुअल रिटर्न फाइल करे. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने लिया हुआ हो सकता है, जिनके कॉमन इनपुट एक प्लेस पर आते हैं, उनके लिए भी GSTR 9 की रिक्वायरमेंट लॉ में नहीं है. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वन अनदर कैटेगरी जिसको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है 9. एंड फोर्थ वन इज द पर्सन जिनको टीडीएस पेइंग अंडर सेक्शन 51 ऑफ द GST एक्ट पे करना है. ये चार कैटेगरी हैं जिनके लिए GSTR 9 मना किया है कि उनको एग्जेम्पशन दी हुई है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न. अपार्ट फ्रॉम दीज फोर कोई भी SSC हो वो अगर पैन इंडिया रजिस्टर्ड है तो वो जितने स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है उनको वो GSTR 9 फाइल करना होगा, स्टेट वाइज फाइल करना होगा. अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, क्योंकि GST जैसा कि हम सब जानते हैं एप्लीकेबल हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, तो 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का जो पीरियड है 9 मंथ्स का, इसकी हमारी पहली GSTR एनुअल रिटर्न है. अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लेकर के कैंसिल भी कर दिया है तब भी उसको GSTR 9 फाइल करना होगा. सो दिस इज द कैटेगरी कि किनको छोड़ करके हम GSTR 9 की रिटर्न फाइल करेंगे. तो व्हाट वी अंडरस्टूड हियर कि एवरी पर्सन नीड टू फाइल देयर GSTR 9 एक्सेप्ट दिस. ड्यू डेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि लॉ में अभी कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन या हम पोर्टल को देखें GSTN पोर्टल के ऊपर भी अभी GSTR 9 फॉर्म नहीं आया हुआ है, लेकिन लॉ के अंदर GSTR 9 के लिए ड्यू डेट डिफाइन है, इट इज 31 दिसंबर 2018. लेकिन वी ऑल आर एक्सपेक्टेड एज यू नो, क्योंकि अभी पोर्टल पे ये अवेलेबल नहीं है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के ड्यू डेट्स मे बी एक्सटेंड करे गवर्नमेंट. लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी तक वी हैव टू प्लान कि हमारी जो GSTR 9 की वर्किंग है वो 31 दिसंबर के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर होनी चाहिए. चेकलिस्ट एक मैंने तैयार कराई है. GSTR 9 फॉर्म को हमने स्प्लिट किया हुआ है 4 to 5 कैटेगरीज में.
और हर कैटेगरी के अंदर हम एक चेकलिस्ट डिफाइन करेंगे सो दैट कि आप क्या इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, कौन सी डिटेल आपको रिक्वायर्ड है, उसके बेस पर आप अपनी डिटेल्स को प्रिपेयर कर सके सो दैट कि GST-9 जब पोर्टल पे अवेलेबल हो तो आप इजीली उन डिटेल्स के बेसिस पर अपनी फॉर्म्स को फिल कर सके और अपनी रिटर्न्स फाइल कर सके. सो वी डिवाइडेड आवर GST-9 फॉर्म इनटू द 5 कैटेगरी. पहली कैटेगरी है बेसिक डिटेल्स. बेसिक डिटेल के बारे में हम आगे अपनी अलग स्लाइड्स में बात करेंगे. सेकेंड है आउटवर्ड सप्लाई एंड RCM पेबल लायबिलिटी से रिलेटेड है, ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ITC से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है हमारे GST-9 के अंदर, हम उसकी बात करेंगे. टैक्स पेमेंट के लिए उन्होंने एक अलग से टेबल्स दिया हुआ है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो 17-18 यानी टू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से रिलेटेड हमने 2018-19 में किए होंगे. जैसा कि लॉ में प्रोविजन दिया है आप सभी जानते हैं कि सितंबर 18 तक की जो हमारे रिटर्न है वो इन 2017-18 से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो की जा सकती थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस स्लाइड के अंदर. एंड कुछ अदर हैं जिसमें कुछ रिफंड्स हैं, डिमांड्स हैं, HSN समरी है, कुछ मिसलेनियस एक्टिविटी भी GST-9 के अंदर मांगी गई है तो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन के जो चेकलिस्ट के बेसिस पर हमें डिटेल तैयार करनी चाहिए. तो सबसे पहला हमने लिया बेसिक डिटेल. हमारे GST-9 के अंदर ये सबसे पहली और फर्स्ट टेबल है, उसके अंदर उन्होंने बेसिक फॉर्म इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी है. फाइनेंशियल ईयर तो जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा 2017-18 होगा. GST नंबर स्टेट वाइज है तो आप जिस स्टेट की एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उसका GST नंबर आएगा, लीगल नेम आएगा और ट्रेड नेम अगर उससे डिफरेंट है तो आपको वो इंक्लूड करना है. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मे बी पॉसिबल ये पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाए, अगर नहीं होती है तो फीड करनी पड़ेगी हमें मैनुअली, वी कैन फीड दिस. Now we come to the second part that is related to the GST-9, that is outward supply and RCM payable. ये हमारा part 2 करके define किया हुआ है GST-9 के अंदर. उसके अंदर आपको क्या क्या information ready करनी है in your Excel, वो information हमने highlights की है. तो let's see one by one. हमने अपना R1 file किया होगा monthly फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 18. तो जो भी हमने R1 की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपलोड की हुई है फ्रॉम आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली 9 के अंदर कंसोलिडेशन समरी तैयार करनी है बाय कंपाइलिंग दिस R1. वो उन्होंने इस तरीके से डिटेल्स हमसे मांगी हुई है. तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन तैयार करनी है 9 के लिए. जिसमें नंबर वन है B2B ट्रांजेक्शन. अगर आप देखोगे अपने R1 के अंदर तो B2B सेल्स जितनी भी होती है यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करता है वो एक टेबल उसमें दी हुई है. तो वो हमें क्योंकि ये हमारी पहली एनुअल रिटर्न है और जो कि 9 मंथ्स की है तो ये इन्फॉर्मेशन भी बाय कंपाइलिंग 9 R1 को करके तैयार की जाएगी. सेकेंड उसके अंदर हमसे मांगी गई है B2B यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन अब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेल करता है तो वो भी हमें 9 मंथ्स की कंपाइल करनी है. एडवांसेस लॉ के अंदर प्रोविजन है, एडवांसेस के ऊपर GST लायबिलिटी होती है. इनिशियली टिल 15 नवंबर 2017 अगर हम देखें तो एडवांसेस ऑन गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्सेस पे हो रहे थे. 15 नवंबर 2017 से हमें गुड्स के ऊपर एग्जेम्पशन दे दी गई, सर्विसेज के ऊपर हमारी लायबिलिटी कंटिन्यू की. तो जो भी हमने एडवांसेस रिसीव किए होंगे उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज की होगी R1 के अंदर और जब हमने बिल रेज किए होंगे तो उसका सेटअप किया होगा तो उसकी डिटेल एक अलग से तैयार करनी है. एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट हमने दोनों कैटेगरी के अंदर रखा है क्योंकि हमने यहां टैक्सेबल दिखाया या नॉन टैक्सेबल दिखाया. तो यहां पर एक्सपोर्ट की जो डिटेल तैयार करनी है वो करनी है जो हमने विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया है. एक्सपोर्ट जैसा कि आप सब जानते हैं जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम या तो टैक्स पे करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाद में उसका रिफंड ले सकते हैं या फिर हम LOD के अगेंस्ट जा सकते हैं. LOD हमें गवर्नमेंट से मिला होगा और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हैं तो हमें दोनों डिटेल अलग अलग तैयार करनी है. अगर हमने विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया हुआ है तो उसकी समरी अलग बनेगी R1 के अंदर जो डिटेल है. विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होगा उसकी डिटेल अलग बनेगी वो भी R1 के अंदर आपने डिक्लेयर किया होगा. SCZ को अगर हमने कोई सप्लाई किया हुआ है वो भी
विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी होगा या विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होगा, दोनों की डिटेल आपकी अलग अलग बनेगी। डीम्ड एक्सपर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, यानी 100% यू यूनिट्स के लिए या एसटीपीआई यूनिट्स के लिए अगर आपने कोई सप्लाई किया तो डीम्ड एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा, उसकी डिटेल अलग से मांगी गई है। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये दो सेक्शंस में डिफाइन था इनिशियली, 93 और 94। 93 के अंदर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज बताई गई थी, जैसे जीटीए की सर्विस होती है, लीगल सर्विसेज होती है, स्पॉन्सरशिप होती है और 4 to 5 अदर कैटेगरी, दीज आर द स्पेसिफाइड सर्विस। अगर हमने ये कोई भी सर्विसेज अवेल की है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने टैक्स पे किया होगा। उसकी डिक्लेरेशन हालांकि R1 में नहीं गई है, वो हमारे जो रिपोर्ट किया होगा वो हमने अपनी 3B रिटर्न के अंदर किया हुआ होगा, तो उसकी एक समरी तैयार होगी। 94 जो है ये पर्टेन करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड, अनरजिस्टर्ड मींस कि जिनसे हमने इनपुट सर्विस ली वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, तो इसकी भी एक कट ऑफ डेट है, ये 13 अक्टूबर 2017 तक टैक्सेबल था, उसके बाद इसको एडजॉर्न कर दिया गया, जो कि कंटिन्यूअसली 2 या 3 बार एडजॉर्न होके अभी नेक्स्ट ईयर में सितंबर 2019 तक एडजॉर्न हो। तो 13 अक्टूबर 2017 तक जो भी हमने अनरजिस्टर्ड से सर्विसेज अवेल की हैं या गुड्स प्रिक्योर किया है उसके ऊपर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रखे होंगे, उसकी समरी भी आपको एक अलग से तैयार कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफकोर्स डेबिट और क्रेडिट नोट, जैसा कि हम सब जानते हैं ये सिर्फ सप्लायर ही अपलोड कर सकता है जीएसटी लॉ के अंदर, रिसिपिएंट नहीं कर सकता, तो कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट होगा वो हमने R1 के अंदर डिस्प्ले कर रखा होगा आपने, अगर आप देखेंगे अपनी टेबल्स को वहां से उनकी 9 मंथ्स की टोटल समरी इस एनुअल रिटर्न के लिए आपको एक अलग से तैयार करनी है। एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जैसा कि हमने यहां आपको समझाया कि यहां विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी था। नॉन जीएसटी आइटम्स आपकी हो सकती है, नॉन जीएसटी आइटम मीन्स वो आइटम जिनके ऊपर जीएसटी अभी तक एप्लीकेबल ही नहीं हुआ, जिसमें कि हो सकता है कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, टोबैको से रिलेटेड हो सकता है, इस टाइप की नॉन जीएसटी आइटम की अगर आप कोई हो, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आपका हो सकता है कि आप आउटपुट सप्लाई कर रहे हो तो वो नॉन जीएसटी आइटम में फाइल होगा। अगर ऐसी कोई इनकम आपके पीएनएल में आ रही है वो भी आपने R1 में डिक्लेयर की होगी तो वो भी समरी यहां तैयार। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड ये दोनों ही शेड्यूल्स के अंदर डिफाइन है, तो जो भी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में डील करते हैं उसकी भी हमने रिपोर्टिंग कर रखी होगी R1 के अंदर, तो उसके लिए भी हमने समझा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 में भी ये 8 अलग है, 9 डेबिट नोट क्रेडिट नोट, 10, 11, 12, 13 और 14, ये टोटल हमारी 14 टेबल्स अलग अलग बनेंगी। ये सारा डाटा आप एक्सेल के अंदर कंपाइल कर सकते हैं विद द स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो कि GSTR 9 के अंदर टेबल में दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन जब तक आप गैदर नहीं करेंगे, और ध्यान रहे क्योंकि हमारा GSTR 9 स्टेट वाइज जाएगा तो हर स्टेट के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग गैदर करना। सो दिस इज Part 2 जो कि GSTR 9 में। नाउ वी डिस्कस आवर Part 3 फॉर GSTR 9, दैट इज ITC। ये भी हमारे GSTR एनुअल रिटर्न के अंदर डिटेल माना गया है। ITC से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने इनिशियली GSTR 2 फॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच वो फॉर्म एक्टिवेट नहीं हो पाया पोर्टल के ऊपर और वो रिटर्न मांगी भी नहीं गई। तो अगर ITC से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देखें तो हमने जितनी भी 3B रिटर्न की है उसमें एक समरी फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर भी GSTR 9 के अंदर जाएंगे तो फिगर समराइज फॉर्म में, लेकिन आपको उसका रिकंसिलेशन जो आपके GSTN पोर्टल के ऊपर GSTR 2A के अंदर आ रहा होगा उससे भी मैच करके फिगर्स को प्लॉट करना होगा। तो ITC में क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है वो हम एक बार देख लेते हैं, जो कि 9 में रिक्वायरमेंट होगी। इसमें 3B में जो भी आपने डाटा जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक प्लॉट किया हुआ होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आएगा। GSTR 2A पोर्टल पे क्योंकि आपने जिनसे माल रिसीव किया हुआ होगा या सर्विसेज अवेल की हुई होंगी उन्होंने अपना R1 फाइल किया होगा तो उन्होंने जो भी GSTN आपको पास ऑन किया होगा वो आपके 2A में ऑटो पॉपुलेटेड होकर मिल जाएगा। ये दोनों ही फिगर्स को 3B की और 2A की GSTR 9 के अंदर जो ऑफलाइन यूटिलिटी अभी गवर्नमेंट ने दी हुई है उसमें ऑटो पॉपुलेटेड दिखाया हुआ है, यानी हमें जो अपनी डिटेल्स तैयार करनी है वो इन फिगर्स को
ऐड या माइनस या लिंक करके या रिकंसाइल करके प्लॉट करनी है। क्या डिटेल्स मांगी गई है वो एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बाइफर्केशन जो भी मांगी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कैपिटल गुड्स इनपुट एंड इनपुट में भी इनपुट फॉर गुड्स एंड इनपुट फॉर सर्विसेज तीनों की क्लासिफिकेशन अलग अलग मानी गई। ये बड़ा ही अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या हम जितने भी अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तीनों ही कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो कहीं भी कैप्चर नहीं हो रही है। ना तो हमने इसको टू में फाइल किया क्योंकि टू आपका लॉन्च ही नहीं हुआ। थ्री बी के अंदर ये समराइज फिगर गई, उसमें भी समराइज में तीनों को क्लब करके डाला गया। तो आपके पास ये सेपरेट फिगर इवन इन अकाउंट्स में भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी आपको नहीं मिलनी है। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब रहेगा हर एसएससी के लिए कि हर स्टेट का, क्योंकि 9 आपका स्टेट वाइज आना है, बाइफर्केशन कैपिटलाइज कितना हुआ जो अपने आईटीसी अवेल किया, उसमें इनपुट कितना है और इनपुट में भी गुड्स का और सर्विसेज का अलग अलग, ये आपको बाइफर्केशन करना होगा। किन किन चीजों के लिए? आईटीसी बीटूबी सप्लाई आपके पास होगी, यानी कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आपको सप्लाई दे रहा होगा। इसके अंदर जो ये टेबल एक तैयार की जाएगी हमारी एक्सेल के अंदर फॉर 9, उसके अंदर हम एससीजेड सर्विसेज, अगर कोई एससीजेड यूनिट से इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं वो इंक्लूड की जाएगी। सेकेंड टेबल इन्होंने हमसे बोला है वो है आरसीएम अंडर सेक्शन 9(4), यानी हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, हमने बताया इसे पहले वाले पार्ट में कि 13 अक्टूबर 2017 तक हमने अनरजिस्टर्ड के ऊपर आरसीएम पे किया है। तो जो भी हमने आरसीएम पे किया हुआ होगा उसकी डिटेल, क्योंकि वो हमने अवेल भी किया होगा एज ए आईटीसी, आरसीएम पे करने के बाद हमने अवेल किया, तो उसकी टेबल एक अलग तैयार होगी। तो ये टेबल और इससे पहले वाले जो टेबल हमने इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किए सेम होगी। ऐसे ही आरसीएम अंडर सेक्शन 9(3) जो स्पेसिफाइड सर्विसेज से रिलेटेड है, ये भी पुराने वाले जो टेबल है वही आपके काम आ जाएगी, जो आपने आउटपुट के लिए तैयार किया वही आपके आईटीसी में क्लेम हो जाएगी। अगर इनमें क्लेम करने में और आउटपुट लायबिलिटी में कोई फर्क है तो इन टेबल्स में फर्क होगा, अदरवाइज नहीं तो ये टेबल्स और जो आउटपुट सप्लाई की टेबल्स है वो सेम होगी। हाँ, इसमें कुछ एसएससीज को एक बड़ा कॉमन शुरू में डाउट्स रहा था कि हमने जिस महीने के अंदर, क्योंकि ये प्रोविजन सर्विस टैक्स से उठ के आया था कि सर्विस टैक्स के अंदर हम जब आरसीएम पे करते थे तो उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर उसका क्रेडिट लेते थे, लेकिन जीएसटी के अंदर ये प्रोविजन दिया कि आप जब पे कर रहे हैं उसी महीने के अंदर आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो मे बी पॉसिबल आप जब मंथ वाइज तैयार करोगे तो आप एक महीने में पे कर रहे होंगे, एक महीने में आप क्रेडिट ले रहे होंगे करके आपने गलती की है। तो जिस तरीके से भी आपने अपनी रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज किया उसी तरीके से आप ये टेबल्स तैयार करेंगे ताकि जब इनका एडबैक इनके साथ किया जाए तो आइटम रिकंसाइल होगा। नेक्स्ट टेबल जो आपने तैयार करनी है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग एससीजेड सप्लाई, यानी हमने बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट किया है या एससीजेड यूनिट से माल खरीदा है, उससे रिलेटेड जो भी आईटीसी हमने क्लेम किया होगा बाय पेइंग एज ए आईजीएसटी वो हमने एक अलग टेबल में कैप्चर करना है। नेक्स्ट टेबल हमारी जो है वो है इंपोर्ट ऑन सर्विसेस एक्सक्लूडिंग एससीजेड, एक्सक्लूडिंग एससीजेड क्यों? क्योंकि हमने यहां पर इंक्लूडिंग एससीजेड सर्विसेज बोला है। तो एससीजेड सर्विसेज जो है वो बीटूबी सप्लाई के साथ क्लब होगा, एससीजेड जो गुड्स सप्लाइड है वो आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ सप्लाई होंगे, यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा लेकिन उसमें एससीजेड नहीं आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आप अपना डाटा तैयार करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से प्लॉट करके वो इस तरीके से टेबल को अलग अलग तरीके से आपने एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करके रखना है सो दैट के 9 आपका उसके अकॉर्डिंगली फिल किया जा सके। एंड ऑफ कोर्स स्टेट वाइज जितने आपके जीएसटी हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको तैयार करना। अपार्ट फ्रॉम दिस आईएसडी की डिटेल भी मांगी है, अगर आपने कोई आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप इनपुट ट्रांसफर कर रहे होंगे रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर, तो जितना हमने इनपुट ट्रांसफर किया हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर जीएसटी जिसका हम 9 भर रहे हैं उसमें वो इनपुट भी पास ऑन होकर आ रहा होगा, वो इनपुट की डिटेल भी अलग से कंपाइल करनी है। मांग रिक्लेम ऑफ आईटीसी, व्हाट इज दैट? रिक्लेम ऑफ आईटीसी का मतलब होता है कि आपने पहले किसी महीने में आईटीसी क्लेम किया, जीएसटी लॉ के अंदर प्रोविजन है कि विद ए स्पेसिफाइड टाइम जैसे कि 180 डेज का दिया हुआ है, अगर आप उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हो तो जो आईटीसी आपने क्लेम किया हुआ है वो आपको रिवर्स करना। तो अगर आपने वो ऐसा कोई आईटीसी रिवर्स किया हुआ है और सब्सिक्वेंटली उसको पे कर दिया है तो वो आप रिक्लेम कर सकते हो। तो अगर किसी महीने में आपने रिक्लेम किया हुआ है तो उसकी डिटेल अलग से मांगी है, यानी वो यहां पर क्लब नहीं हो।
क्रेडिट फ्रॉम ट्रांस वन एंड ट्रांस टू की हम बात करते हैं। ट्रांस वन का क्रेडिट यानी ट्रांजिशन क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारा अगर अर्लियर लॉ में एक्साइज का, वैट का या सर्विस टैक्स का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ है इन आवर रिटर्न और विद सम सैंडविच अपॉइंट जिसका स्टॉक हमारे पास पड़ा हो तो हमने ट्रांजिशन वन में क्रेडिट क्लेम किया हुआ होगा, वो भी क्रेडिट हमारा आईटीसी में क्लेम हुआ होगा तो उसकी डिटेल एक अलग से चाहिएगी। ट्रांस टू क्या था, ट्रांस टू भी हमने फाइल किया होगा, वो कौन एलिजिबल थे कि अगर किसी के पास कोई सर्वे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें कि साइज या सर्विस टैक्स या वैट नहीं है लेकिन उन्होंने जिनसे खरीदा है वो ओईएम था तो उस केस में भी उन्होंने कहा था कि जब वो आउटपुट सप्लाई करेंगे तो 60-30 की रेशो आपको याद आ रही होगी, हमने उस रेशो में फर्स्ट 6 मंथ उसका क्रेडिट अवेल किया होगा तो हमने ये भी ट्रांस टू फाइल किया है। तो ट्रांस वन ट्रांस टू में जो भी हमने क्रेडिट क्लेम किया हुआ होगा वो हमारा आईटीसी क्लेम हुआ होगा, 2A में भी आ रहा होगा हमारे, वो हम चेक कर लेंगे हमारे पीएमटी क्रेडिट लेजर के अंदर भी वो अमाउंट नजर आएगा, उस अमाउंट की अलग से टेबल क्रिएट की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन 9 के अंदर अलग से बनेगी। इनलिजिबल इनपुट अंडर सेक्शन 17(5) की हम बात करें कि कोई भी इनपुट जो हमने क्लेम किया है अगर वो इनलिजिबल है 17(5) के अंदर, ये बहुत सारे क्रेडिट हो सकते हैं जैसे लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है कि भाई आपने उसकी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड ना की हो, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हो, फ्री सैंपल से रिलेटेड हो, फ्री गिफ्ट आपने दे दी हो, तो उसमें क्या होगा कि हमने इनपुट तो आ रहा है हमारे पास लेकिन क्योंकि हम उसके लिए इनएलिजिबल थे तो हमने क्लेम नहीं किया होगा लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी डिटेल मांगी है, मेजोरिटी ऑफ द एसएससी ने ये डिक्लेयर नहीं किया होगा अपने 3B के अंदर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से कैप्चर करके 9 के अंदर प्लॉट करके, क्योंकि आप जब 9 भरोगे इसके बाद सब्सिक्वेंट 9C भरा जाएगा जो कि हमारा जीएसटी ऑडिट है, वहां पर फाइनेंशियल से डाटा रिकंसाइल होगा तो ये फिगर्स और डिफरेंसेस में चलते हैं, तो इसलिए ये टेबल अलग से तैयार होगी। उसके अलावा आईटीसी अगर हमने कोई रिवर्स किया हुआ है, रिवर्सल के भी कई रीजन हो सकते हैं, हो सकता है हमने उसके आउटपुट सर्विस प्रोवाइड ना की हो, कल क्रेडिट ले लिया हो, तो ऐसा कोई भी अगर हमने रिवर्सल किया है किसी भी वजह से वो 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो भी हमारा एक समराइज टेबल अलग से तैयार होगी। तो अगर हम आईटीसी की होल डिस्कशन करें तो हमारी एक टेबल बनेगी आईटीसी B2B सप्लाई जिसमें SCZ सर्विसेज इंक्लूसिव है, टेबल नंबर 2 RCM जो कि 9-4 का है, नंबर 3 RCM जो 9-3 का है, नंबर 4 इंपोर्टर गुड जिसमें SCZ से गुड्स भी सप्लाई आएंगे, इंपोर्टर सर्विसेज जो कि एक्सक्लूडिंग SCZ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमें ये 11 एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ GST 9, एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर ऑलवेज अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये भी आपका स्टेट वाइज होगा, आपका अगर कोई भी डाटा स्टेट वाइज नहीं है तो उसको आपको करना पड़ेगा चाहे वो फिर इनवाइस लेवल पे आपको लेकर आना। तो ये था हमारा आईटीसी से रिलेटेड पार्ट जिसमें कि हमने आपको एक्सप्लेन किया कि आईटीसी की आप क्या क्या तैयारी करके रखेंगे ताकि अगर ये एक्सेल शीट आपकी अगर बनी हुई है स्टेट वाइज तो फिर आपका जैसे ही पोर्टल पर फॉर्म आएगा आप आसानी से इसको फाइल कर सकते। आगे चलते हैं, अगला पार्ट हमने बोला टैक्स पेमेंट। अब टैक्स पेमेंट मींस हमने टैक्स पेमेंट कहां की हुई है, हमने टैक्स पेमेंट की हुई है अपनी 3B रिटर्न के अंदर, मंथ वाइज पेमेंट की होगी। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आपके पोर्टल पे पीएमटी अकाउंट में कैश अकाउंट आएगा और क्रेडिट अकाउंट आएगा, तो उसके अंदर हमने जितनी भी पेमेंट मंथ वाइज की हुई है उसकी एक समरी मांगी गई है तो वो भी 9 मंथ का डाटा आपको क्लब करना होगा। एक टेबल आपको पेमेंट से रिलेटेड भी बनानी होगी कि कितना आपने आउटपुट सप्लाई का पेमेंट किया हुआ है जो कि कैश कितना है और क्रेडिट कितना। आगे अगली चलते हैं हम, अगली टेबल हमारे को जो तैयार करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से इसका डाटा तैयार होगा, ये है एडजस्टमेंट मेड इन द सब्सिक्वेंट ईयर। अब सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब यहां पर क्या हुआ, हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2017-18 की, इसके लिए सब्सिक्वेंट ईयर हो गया 2018-19, कट ऑफ पीरियड है, कट ऑफ पीरियड क्या है, अप्रैल 18 टू सितंबर 18, यानी अप्रैल 18 से सितंबर 18 के अंदर हमने जो R1 और 3B फाइल किया हुआ है चाहे वो मेरा मंथली हो या क्वार्टरली हो, उसके अंदर अगर मैंने 2017-18 से रिलेटेड कोई भी फिगर रिपोर्ट की है सब्सिक्वेंटली, जो कि हो सकता है मैं 17-18 में करना भूल गया हूं, मेरी ऑडिट में पकड़ी गई हो, हो सकता है मेरी सेल्स रिटर्न आई हो, मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया हूं, बिल्स मेरे पास बाद में आए हो, 2A से मुझे पता चला हो, कुछ मेरी अकाउंटिंग
पूरी तरीके से कैप्चर नहीं है, हो सकता है मैंने कोई क्रेडिट ले रखा हो जिसके लिए मैं इलिजिबल ना हूं, मैंने कोई क्रेडिट ले रखा हो सामने वाले ने टैक्स जमा ना किया हो, ऐसे बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट हमने हो सकता है की हो अप्रैल 18 से लेकर के सितंबर 18 तक। तो वो आउटपुट सप्लाई से रिलेटेड हो सकता है, ये आपको R1 से लिंक करेगा, इनपुट सप्लाई से रिलेटेड हो सकता है, ये आपको 3B से लिंक करेगा। RCM हमने रिपोर्ट तो 3B में किया होगा लेकिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो ये तीन टाइप की कोई भी एडजस्टमेंट अगर हम अप्रैल 18 से लेकर सितंबर 18 तक अगर हम कर रहे हैं तो इनके लिए एक अलग अलग टेबल तैयार होगी, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग भी GST R9 के अंदर सेपरेटली मांगी गई। इसके अलावा मिसलेनियस में एक अलग से पॉइंट है जिसमें उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो इनके लिए भी आपको डिटेल तैयार करनी है। हो सकता है ये आपको एप्लीकेबल हो सकता है ना हो, पर अगर आपने इन चीजों में डील किया है तो ऑफकोर्स वो रिपोर्ट भी GST R9 के अंदर होगा। जैसे अगर आप नंबर वन बात करें तो रिफंड GST रिफंड की अगर हम बात करें तो GST रिफंड हो सकता है आपने एक्सपोर्ट किया हो उसके अगेंस्ट में आपने क्लेम किया हो सकता है आपने इन्वर्टेड रिफंड क्लेम किया हो कि माल आप जो बेच रहे हैं या जो आपके आउटपुट सप्लाई है वो 5% की हो, आप इनपुट ले रहे हो 18% का 28% का। इस तरीके से अगर मैंने कोई भी रिफंड क्लेम किया है उसकी एक अलग टेबल बनेगी, मैंने क्लेम किया लेकिन अभी मेरे को सेंक्शन नहीं हुआ पेंडिंग है उसकी अलग बनेगी, सेंक्शन जो हो गया उसकी अलग बनेगी, मेरा रिजेक्ट कर दिया होगा मैंने, यानी मैंने क्लेम कितना किया, क्लेम में से मेरा सेंक्शन कितना हुआ, मेरा सेंक्शन कितना नहीं हुआ अभी तक पेंडिंग है गवर्नमेंट प्रोसेस करेगा, या मेरा रिजेक्ट होना है वो सारा मेरे को अलग से डिफाइन। सेम डिमांड्स, अगर गवर्नमेंट ने मेरे से कोई डिमांड किया टैक्स, हो सकता है कोई मेरा ड्रग सीजर का केस हो, कोई मेरा शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हो, कोई इनएलिजिबल इनपुट हो जो गवर्नमेंट ने नोटिस के थ्रू मेरे से रिकवर किया हो, या मेरी कोई अर्लियर ईयर की डिमांड्स हो, तो इस टाइप की कोई भी अगर लाइबिलिटी मैंने डिस्चार्ज की है तो वो मेरी यहां रिपोर्ट की जाए। कंपोजिशन फॉर इनवर्ड सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टिपिकल, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको GST R9 के अंदर रिपोर्ट करना है। आप कोई भी इनपुट सर्विस अवेल कर रहे हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो GST में रजिस्टर्ड है लेकिन अंडर कंपोजिशन है, तो वो जो टैक्स लगा रहा होगा उसका आप ITC तो क्लेम कर नहीं रहे होंगे, सारा कॉस्ट में जा रहा होगा लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से मांगी गई, तो वो भी हमें रिपोर्ट करना है। डीम सप्लाई मतलब जॉबक का एक हमने एग्जाम्पल लिया कि आपने कोई माल जॉबक के लिए भेजा, उसमें स्पेसिफाइड पीरियड था, उस पीरियड में वो माल वापस नहीं आया तो वो आपकी डीम सप्लाई मान लेगी कि जब हमने सप्लाई किया था तो वो डिलीवरी चालान पे चला गया होगा, हमने टैक्स पे नहीं किया होगा, कहीं हमने आउटपुट सप्लाई नहीं मानी होगी, लेकिन वो विद इन टाइम वापस ना आने के कारण उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, वो डीम सप्लाई आपके आएगा, तो वो भी आपका अलग से रिपोर्ट। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस नॉट रिटर्न विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लॉ में प्रोवाइडेड है। अगर हमने कोई अप्रूवल बेसिस पे किया है कोई भी गुड्स की हमने सामने वाले को सप्लाई कर दिया लेकिन उसकी अप्रूवल के बाद ही हम मानेंगे कि भी वो हमारी सप्लाई कंक्लूड हो गई है। सपोज उसने अप्रूवल दी नहीं, स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है उसका, उस टाइम के अंदर वो माल वापस आया नहीं है, तो वो भी आपका यहां पर रिपोर्ट किया जाएगा। HSN की डिटेल मांगी गई है। HSN अगर आप देखें तो R1 के अंदर हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर, लेकिन वहां जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो HSN वाइज रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर 9 के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उन्होंने टैक्स रेट भी मांगा है कि किस रेट से कितना HSN आपने आउटवर्ड सप्लाई किया। इनवर्ड सप्लाई इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन HSN इनवर्ड सप्लाई की कहीं भी कैप्चर नहीं की गई किसी भी, ना तो इसको हमें R2 में कैप्चर करना था, R2 आया नहीं तो हमने उसको कैप्चर किया नहीं, 3B में कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, और अकाउंट्स में भी अगर हम अपने कई क्लाइंट से जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अकाउंट्स के अंदर भी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर रखा जिसमें ये HSN वाइज इनवर्ड डिटेल प्रोवाइड कर रखी हो या इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके, तो मे बी पॉसिबल ये चैलेंज रहे और हो सकता है गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन ले, इसको इस साल एग्जेम्प्ट कर दे या इसको बहुत ज्यादा समराइज वे में डाल दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन न्यूट्रलाइज हो जाए, पर अदरवाइज इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री। पर ध्यान, लेट फी की डिटेल है वो 9 से रिलेटेड है, लॉ के अंदर प्रोविजन है, SGST और CGST एक्ट के अंदर 100 रुपीज का है, मैक्सिमम पेनल्टी क्वार्टर परसेंटेज मीन 0.25% ऑफ द टर्नओवर है, तो अगर आपने रिटर्न टाइमिंगली फाइल नहीं की, टाइमिंगली मतलब 31st of December ड्यू डेट है अभी, अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो उसके बाद आप फाइल करते हो तो क्या लेट फी आप जमा कर रहे हो कितना है, तो मे बी ये ऑटो पॉपुलेटेड है कि जब आप फाइल करो तो ये अपने आप उसको कैलकुलेट कर पाओ, अदरवाइज ये भी एक फिगर उसमें। थैंक यू वेरी मच, ये था हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ऑन एनुअल रिटर्न अंडर GST लॉ।
हमने कोशिश की इसको एज सिंप्लीफाई बनाने की सो दैट कि आप जब प्रिपेयर करें तो आपको जीएसटी आईएन भरने में आसानी हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप हमारे और फर्दर वीडियोस जो कि जीएसटी ऑडिट के ऊपर या मैनी मोर थिंग्स जो हम आगे लेकर के आने वाले हैं देखना चाहेंगे तो आप हमें हम आपसे आपके वैल्यूएबल सजेशन या आपकी कोई क्वेरीज है उसकी हमेशा चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी चीज हो तो आप हमें जरूर उस चीज को शेयर करें. हमारी डिटेल्स आपको हमारे लिंक में मिल जाएंगी सारी की सारी. तो कोई भी ऐसी सजेशन या आपकी क्वेरी हो तो वी ऑलवेज वेलकम फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच.